बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम पढ़ेंगे फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट। पाकिस्तान के अंदर अगर आप लोकल करेंसी में अकाउंट खोलें, पाकिस्तानी करेंसी में अकाउंट खोलें, तो उनकी एक टर्म है KYC, नो योर कस्टमर। यानी बैंक को अपने कस्टमर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, नो योर कस्टमर। और बैंक इतने सवाल आपसे करता है कि पैसे कहाँ से लाएंगे, क्या सैलरी है, सैलरी के डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, ये दिखाएं, वो दिखाएं, ठीक है। लेकिन अगर आप अकाउंट खोलते हैं फॉरेन करेंसी में, डॉलर में, जापान की करेंसी में, जर्मन की करेंसी में, अदर देन पाकिस्तान फॉरेन, उसमें आपसे कोई सवाल नहीं करता और आप अकाउंट खोल सकते हैं। ये था एक पाकिस्तान में बैंकिंग अकाउंट को ओपन करने का फलसफा। अब देखिए इससे फ़ायदा क्या उठाया गया। उससे ये फ़ायदा उठाया गया कि बिजनेसमैन हमारा प्रॉफिट अर्न करता है और उस प्रॉफिट को छुपाता है, टैक्स नहीं देता उसके ऊपर, नो टैक्स देता है उसके ऊपर। और इसको क्या करता है, इस पैसे को उठाता है करेंसी डीलर से, इस करेंसी को एक्सचेंज करता है और इसको फॉरेन करेंसी करता है, डॉलर में या मार्क में या यन के अंदर, जो भी ज़्यादातर डॉलर में होता है। उसके बाद ये क्या करता है, बैंक के पास जाता है और इसको फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट खोलता है। बैंक से पूछता नहीं मेरे पास कहाँ से पैसा आया। फिर ये क्या करता है, इस पैसे को दुबई में या वो जगह जहाँ फ्री पोर्ट है वहाँ भेज देता है। फिर वो वहाँ से पैसे मंगवाता है। और पाकिस्तान का लॉ ये है कि अगर बाहर से पैसा आएगा तो उसे पूछा नहीं जाएगा कि बाहर से पैसा आ रहा है, किस शक्ल में आ रहा है, क्यों आ रहा है, वो ले लिया जाएगा। तो वो फिर क्या करता है, पाकिस्तान लगाता है और फिर इसको कन्वर्ट करता है दोबारा रुपए में और अपने बिजनेस में लगा देता है। इस तरह से क्या हुआ, उसने टैक्स पे ही नहीं किया। ठीक है, थैंक यू।